बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज मैंने बहुत सारे क्रास सवाल लोगों के लिए और लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं की। चलें देखते हैं क्या सवाल था। वालेकुम डॉक्टर साहब। बाक साहब डॉक्टर साहब, मेरा नाम उमर फारूक है और मैं तोबा टेक्सिंग से बात कर रहा तोबा हूँ। टेक सिंह से जी, बिस्मिल्लाह। तो ऑलमोस्ट मुझे आपको देखते तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए। माशाल्लाह। तो बात ये मैंने पूछनी थी कि अभी जो वो है, मैं HF क्रॉस या मतलब प्योर ब्लड में नहीं, HF क्रॉस में जो है ना वच्छियाँ डालना चाहता हूँ। बच्चियाँ डालना चाहता हूँ। तो उसके बारे में मुझे आप कुछ मशवरा दें, उनका को फीडिंग के बारे में भी बताएं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपको मैं कॉल करूं तो तब भी आप नहीं बता नहीं दें। ठीक कॉल है, नहीं भी। और ये भी लिहाजा मुझे बताइए कि मैं कितने मंथ की जो है वो बच्ची जो है वो डालूं, जो मेरे पास आते ही प्रेग्नेंट मतलब माह बाद, 1 माह बाद या 15 दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो जाए, ताकि मैं उसको 9 महीने में गाय या जो भी हम लोग पैलन बोलते हैं वो बना के उसको सेल कर सकूं। तो इस बारे में मेरी रहनुमाई करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने इसको क्या जवाब दिया? आपको सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ और ये मैंने प्रॉम्प्ट मेरा ही जवाब बात दिया। यही है कि इरादा बहुत अच्छा है। इसको अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे प्रोग्राम्स देखते जाएं, उसमें हर चीज़ दी हुई है, किस तरह इनकी खुराक क्या होनी है, किस तरह आपने इनको पालना है, जब लेके आना है तो क्या लवाजमात हैं, किस तरह आपने इनको रखना है और कौन कौन सी वैक्सीनेशन होती है वो, और उसको शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीन कैसे करानी है, कितनी करानी है, हर चीज़ दे रखी है मैंने, और इनके खुराक हर चीज़। तो फिर बाद में जिस वक्त ये सने बलूगत को पहुँच जाए, मैं जब जवान हो जाए तो फिर इसको कैसा वंडा देना है, क्या चीज़ें उसमें देनी है जिससे वो ताकि वही जल्दी फिर हीट में आ जाए और बन जाए। ये ये सारा कुछ सारी दिया चीज़ें हुआ। मेरी दे रखी हुई हैं। अब ये है कि अब मैं नए सिरे से आपको ये स्पून फीडिंग तो मैं नहीं कराता और ना ही मुझे करानी चाहिए। आप जैसे पढ़ा लिखा बंदा जो है वो वो आप सारे देखें और प्रोग्राम्स इंशाल्लाह देखें, ताला बहुत कुछ हजारों दिया हुआ है। प्रोग्राम्स पढ़े हैं और उनसे इस्तफादा करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस वालेकुम सलाम। वेरी गुड। बस वो आप देखें और उन पे फिर अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन हर चीज़ दी हुई है तो कोई वजह नहीं है कि आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा टोबा टेक सिंह वाला उसको समझ ना आए। हर चीज़ दी हुई है, किस तरह आपने खरीदनी है बच्चियाँ, किधर से लेनी है, किस तरह क्या क्या चीज़ें उनकी देखनी है, और उसके बाद उनको कैसे वैक्सीनेशन का शेड्यूल दिया हुआ है उसको फॉलो करें, जो हफाजती टीके हैं, इसी तरह खुराक का हर चीज़ दी है। ठीक है मेरी जान, इनको करें, अल्लाह फजल करेगा। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं एक हदीस मुबारक में। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैह। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। मुत्तफ़िक़ अलैह फ़ी मान अल्लाह।